दोस्तों आज का जो वीडियो होने वाला है बहुत ही जबरदस्त होगा। और ये जो एक चीज मैं आपको बताने वाला हूं, मैं खुद हर रोज इस्तेमाल करता हूं, कैसे बैकअप लेना चाहिए क्लाउड पे आपके स्मार्टफोन का। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, सिक्योर होना चाहिए, रिलायबल होना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। सब कुछ बताऊंगा आपको इस वीडियो में, देखते रहिए। दोस्तों आपको तो बताया मैं कितने स्मार्टफोन्स इस्तेमाल करता हूं। जी हाँ, रिव्यू के लिए आते हैं, 10-15 दिन के बाद फिर से चेंज करता हूं। उतना ही नहीं, स्मार्टफोन्स लेके मैं आउटडोर जाता हूं, आउट स्टेशन जाता हूं, इनफैक्ट कभी कभी लॉन्च इवेंट के लिए चाइना पेरिस वगैरह जाना पड़ता है। जी हाँ, और उसकी वजह से मेरे लिए जो बैकअप होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उधर मैं बहुत सारे वीडियोज खींचता हूँ, बहुत सारे फोटोज खींचता हूँ। ऐसे समय पर अगर कुछ प्रॉब्लम हो गया फोन के साथ और मेरा जो इंपॉर्टेंट डेटा है वो मुझे एक्सेस करना है या फिर दूसरे फोन पे लाना है, तो बैकअप इज माय लाइफ सेवर। गूगल ने इसके लिए एक बहुत ही अच्छा सॉल्यूशन दिया हुआ है। गूगल पे इजीली आप आपका डेटा बैकअप ले सकते हो, डेटा सिंक कर सकते हो। जैसे ही फोटो खींचा, अगर आपका एक अच्छा नेटवर्क होगा, और मैं एयरटेल इस्तेमाल करता हूँ बहुत सारे जगह पे, उनका बहुत अच्छा मेरा पोस्टपेड का प्लान है जहाँ पे कैरी फॉरवर्ड भी डेटा कर सकता हूँ, 20-25 GB मुझे मिलता है, तो इस नेटवर्क पे मैं अपलोड कर देता हूँ। याद रखिए, अगर ऑफिस में हूँ तो वाईफाई है, लेकिन आउटडोर जहाँ भी जाता हूँ जैसे ही क्लिक करता हूँ अपलोड हो जाता है, तो मुझे टेंशन बिल्कुल भी नहीं है कि भाई जो भी मैंने किया हुआ है मेरे स्मार्टफोन के ऊपर, या फिर जो भी काम किया हुआ है, फाइल्स क्रिएट किए हुए हैं, फोटोज लिए हुए हैं, वीडियोज लिए हुए हैं, उनका क्या, दे गेट अपलोडेड वेरी इजीली। और हाँ, नेटवर्क अच्छा होना चाहिए, क्योंकि वीडियोज फोटोज ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, हैवी भी होते हैं। अच्छा नेटवर्क होगा तो आपके फाइल्स इजीली सिंक भी हो जाएंगे, बैकअप भी हो जाएंगे। दोस्तों ये तो बात हो गई अपलोडिंग की, लेकिन डाउनलोड के समय भी ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि जैसे मैंने कहा कि मेरा फोन खराब हो गया, दूसरे फोन पे मुझे डाउनलोड करना है, सिंक करना है, देखना है। जी हाँ, गूगल गिव्स यू दैट ग्रेट सर्विस। ये मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे सिंक करना है, कौन से सर्विसेज आप इस्तेमाल कर सकते हो और उसका आपको फायदा क्या होगा। वैसे दोस्तों गूगल जैसे सर्विस देती है एंड्रॉइड के लिए, वैसे ही एप्पल आईफोन्स के लिए iCloud है, उधर भी आप सिंक कर सकते हो। नहीं तो फिर आईफोन वाले बोलेंगे कि भाई हमारा क्या, हमें गूगल पे नहीं करना है। वैसे आईफोन से आप गूगल पे भी कर सकते हो, बट iCloud इज अ बेटर चॉइस। अब दोस्तों बैकअप कैसे करना है, बहुत ही सिंपल है। आपके एंड्रॉइड फोन के अंदर सेटिंग्स में जाइए, अकाउंट्स में जाइए, और बहुत सारे लिस्ट दिखाएगा कि भाई ये जो आपका अकाउंट है, वैसे एंड्रॉइड जब आप सेटअप करते हो आपके फोन के ऊपर, तब एक ईमेल एड्रेस देते हो जीमेल का, वही आपका गूगल अकाउंट होता है। फिर बाद में जब आप सेटिंग्स में जाके, अकाउंट्स में जाके सिंक बोलोगे, ऑन करोगे, बहुत सारी चीजें आप कर सकते हो, इमेजेस, कॉन्टैक्ट्स, मैसेजेस, ऐसे बहुत सारी लिस्ट होती है। आपको अगर सिंक करना है, जो भी सिंक करना है, जो भी अपलोड होना चाहिए वो आप अपलोड कर सकते हो, या फिर बाकी की चीजें आप ऑफ कर सकते हो, नो सिंकिंग मतलब अपलोड नहीं होगा। उतना ही नहीं दोस्तों, अगर आपके पास दो या आप तीन फोन्स इस्तेमाल करते होंगे, तो वही जीमेल एड्रेस के साथ आप सभी फोन्स के ऊपर वही जो आपका डेटा है वो सिंक कर पाओगे। इसका मतलब इधर फोन किया, कॉल लॉग वगैरह सिंक हो गया, दूसरे फोन पे आप जब खोलोगे तो आपको वही कॉल लॉग दिखेगा। दिस फॉर जो लोग बहुत सारे फोन्स इस्तेमाल करते हैं या फिर चेंज करते हैं, मेरे जैसे लोग, उनके लिए दिस इज गॉड सेंड। तो ये हो गया फोन का, लेकिन ऐप लेवल पे भी आप बैकअप कर सकते हो, स्पेशली व्हाट्सएप, जी हाँ हम सभी इस्तेमाल करते हैं, वो भी गूगल पे ही बैकअप होता है, लेकिन व्हाट्सएप की ये खुद की सर्विस है। आप ऑन कीजिए बैकअप्स और वो सिंक करेगा। इसका मतलब जो भी आपके रिसेंट चैट्स है, फोटोज है, वीडियोज है, जो व्हाट्सएप पे शेयर हुए हैं, वो आपके गूगल के अकाउंट में बैकअप हो जाएंगे। सब कुछ करता है व्हाट्सएप खुद ही। जब आप नए फोन पे शिफ्ट होते हो, आपका जो व्हाट्सएप है वो वेरीफाई करते हो, इमीडिएटली वही सब मैसेजेस जो पुराने हैं आपके डाउनलोड हो जाते हैं बैकअप से। दोस्तों गूगल छोड़ के बाकी के भी बहुत सारे सर्विसेज हैं जो बैकअप देते हैं। माइक्रोसॉफ्ट का खुद का है जो बैकअप देता है, लेकिन गूगल का बहुत ही सिंप्लीफाइड है, स्पेशली क्योंकि इंटीग्रेशन जो है गूगल एंड्रॉइड उन्हीं का है, बहुत अच्छा इंटीग्रेशन है, सीमलेस होता है सब कुछ, आपको पता भी नहीं चलता है, और आपका जो डेटा है वो सिक्योर रहता है। और हाँ दोस्तों, बैकअप डज नॉट कॉस्ट यू एनीथिंग, स्पेशली गूगल के ऊपर 15 GB वैसे भी फ्री देता है। अब मेरे जैसे कोई होंगे, बहुत सारे फोटोज हैं, बहुत सारे वीडियोज हैं, बहुत सारे फाइल्स हैं, और बहुत सारे अपलोड करता हूं मैं, मतलब लिटरली मेरा कुछ 100-150 GB है, इसलिए मुझे पेड अकाउंट लेना पड़ा। आप अपग्रेड कर सकते हो, कॉस्ट बहुत कम है। मुझे कुछ ₹130 या ₹100 का बिल आता है, $2 वगैरह कॉस्ट होती है। अगर आपका डेटा ज्यादा है तो पेड ले लीजिए, वरना फ्री 15 GB फॉर मोस्ट पीपल इज इनफ। लेकिन दोस्तों आपको एक मैं बात कहना चाहता हूं,
जी हाँ, क्लाउड पे बैकअप होता है, सिक्योर होता है, सेफ होता है 99.999%, लेकिन इट इज ऑलवेज एडवाइजेबल, मतलब हमेशा आप एक ऑफलाइन बैकअप रखिए इंपॉर्टेंट चीजों का सिर्फ। तो ऑफलाइन बैकअप इज अ गुड सॉल्यूशन, आपके एसडी कार्ड पे या फिर यूएसबी ड्राइव पे ओटीजी के थ्रू करते जाइए, दैट्स अ गुड प्रैक्टिस। वैसे दोस्तों अगर बैकअप्स के बारे में स्मार्टफोन पे, कंप्यूटर पे और भी किसी जगह का बैकअप चाहिए तो जरूर हमें कमेंट सेक्शन में पूछिएगा, मैं पूरी कोशिश करूंगा आपके सवालों के जवाब देने की। चलिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो तक कीप ट्रैकिंग।